हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश भर में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए यानी 17 मई तक और बढ़ा दिया गया है। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा होने जा रहा था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ है। लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन 5 राज्यों के लोगों को भी इस योजना का मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आगामी 1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर रखा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेगी 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल थे। मीटिंग के बाद रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने अपने सभी जोन्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉकडाउन में 162.50 रुपए सस्ता हुआ LPG रसोई गैस। जी हाँ दोस्तों, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की 1 तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक सस्ते हुए हैं। अब इस सिलेंडर की नई कीमत 581.50 रुपए हो गई है। वही 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपए घटकर 1,029.50 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी लेने वाले पहले मरीज की 4 दिन बाद मौत। जी हाँ दोस्तों, लीलावती अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के 4 दिन बाद इस संक्रमण से संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में इस महामारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का यह पहला मामला था। मरीज की उम्र 53 साल थी। डॉक्टरों ने बताया कि 25 अप्रैल को मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। उसके बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन 29 अप्रैल को मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, मुंबई में BMC प्लाज्मा थेरेपी पर अध्ययन कर रही है। यह स्टडी संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव और कस्तूरबा लैब की मदद से की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने 28 अप्रैल को कहा था कि इस महामारी के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं है।
सिर्फ ट्रायल बेस्ड है। सही तरीके से थेरेपी नहीं होने पर विपरीत असर भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस राज्य में खुलने जा रही है शराब की दुकानें, जल्द फैसला ले सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि यहाँ सरकार जल्द ही शराब की दुकानें खोलने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि राज्य में शराब की बिक्री को इजाजत दे देनी चाहिए। शराब की दुकानें खोलने के दौरान इसमें पर्याप्त सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो करने की भी सलाह दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में हर महीने शराब की बिक्री से औसतन 1,500 करोड़ का एक्सरसाइज रेवेन्यू आता है। दुकानें खोलने की अनुमति देने से सरकार को एक बार फिर रेवेन्यू मिलने लगेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारे इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, चीन के वुहान लैब में ही तैयार हुआ है इस महामारी का वायरस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महामारी को फैलाने के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि चीन के वुहान लैब से ही इस महामारी का वायरस निकला है। ट्रंप ने गुरुवार को चीन पर नए टैरिफ की धमकी भी दे डाली। उन्होंने दावा किया है कि वुहान के शहर से ही इस महामारी की शुरुआत हुई है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन ने अब शुरू की सबकी जासूसी, 35 करोड़ सर्विलेंस कैमरों से रख रहा है लोगों पर नजर। जी हाँ दोस्तों, चीन में क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया है। ये जासूसी कोई और नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति खुद जिनपिंग करा रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों के घरों के बाहर और यहाँ तक कि अंदर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो इस महामारी के संदिग्ध हैं और होम क्वारंटाइन में है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे चीन में अब तक करीब 35 करोड़ CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। सरकार ने हालांकि अपने इस कदम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जिन लोगों के घरों में कैमरा लगाए गए हैं उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी है। वुहान शहर में भले ही लॉकडाउन खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी भी इन लोगों को इस महामारी के वापस लौटने का डर सता रहा है, क्योंकि अब चीन में इस बीमारी के मरीजों में संक्रमण के किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में घर बैठे मंगवा सकेंगे डीजल, इंडियन ऑयल ने शुरू की होम डिलीवरी सर्विस। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में ग्राहकों की सुविधा के लिए देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल डिस्पेंस के जरिए डीजल की डोर टू डोर सर्विस शुरू की है। यानी अब आप घर बैठे डीजल मंगवा सकेंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इंडस्ट्रियल, माइनिंग, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल ने अपने RO डीलर्स के राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए मोबाइल डिस्पेंसर के बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही है। अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कंपनी इस क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स के साथ भी साझेदारी कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप के जरिए उपभोक्ता तक डीजल पहुंचाने की अवधारणा को अपनाया गया है, जो नए व्यावसायिक समाधानों में नए उद्यमियों को शामिल करने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भारत सरकार की पहल के अनुरूप है। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूरोप में फैला नया वायरस बच्चों पर कर रहा है हमला। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी का वायरस भले ही वयस्कों पर हमला कर रहा हो, लेकिन इसी बीच यूरोप से कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस समेत लगभग 6 देशों में एक अजीब सा वायरस बच्चों पर हमला करने लगा है। यूरोप और अमेरिका में इस नए वायरस के कारण 100 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल के ICU में दाखिल करना पड़ा है। कुछ बच्चों की इस वायरस की वजह से मौत भी हो चुकी है।
इंग्लैंड के स्वास्थ्य सचिव मैट हैकॉक ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि कुछ बच्चों को अजीब से लक्षण के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया है। बच्चों ने दिल में जलन की शिकायत की है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस का संबंध इस महामारी से जोड़ा है। स्वास्थ्य सचिव ने कबूला है कि इसकी वजह से कुछ बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों और बिगड़ेगा मौसम, आ सकता है चक्रवर्ती तूफान। अगले 24 घंटों में भारी बारिश और आंधी की है संभावना। जी हां दोस्तों, भारत में एक बार फिर मौसम का हाल बिगड़ सकता है। पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जमकर बादल बरस सकते हैं। अगले एक हफ्ते तक बारिश तूफान का सिलसिला जारी रह सकता है। यही नहीं, देश में चक्रवाती तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है। स्काईमेट के मुताबिक ये तूफान मई महीने में देश में दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान से सबसे ज्यादा मुसीबत उड़ीसा और उसके आसपास के राज्यों के लिए हो सकती है। आशंका जताई गई है कि ये चक्रवर्ती तूफान 1 मई से 3 मई के बीच आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश का यह दौर अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि 1 मई से 8 मई तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी पानी का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहने के आसार बने हुए हैं। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से मंगलवार तक यहां बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके कारण बारिश का सिलसिला देश के कई राज्यों में जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पैसों की है किल्लत तो अब आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं घर का किराया। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण इकोनॉमी में भारी लॉकडाउन आया है, जिसके चलते कई कंपनियां सैलरी काट रही हैं तो कई लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, जिसकी वजह से शहर में रह रहे लोगों के लिए घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। जो लोग रेंट पर रह रहे हैं उनके लिए तो ये मुश्किल डबल हो गई है। इसी बीच क्रेडिट कार्ड से रेंट का भुगतान करने की सुविधा भी लॉन्च की गई है। इसके बाद अब उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड से रेंट दे पाएंगे। रियल एस्टेट पोर्टल housing.com ने अपने मोबाइल ऐप पर पे रेंट फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके जरिए यूजर्स मकान मालिकों के बैंक अकाउंट में किराया ट्रांसफर कर सकते हैं और डिजिटल रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी से बिगड़ गई है आर्थिक चाल। अप्रैल में एक भी कार नहीं बेच सकी मारुति कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी ने भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने कई उद्योगों की कमर तोड़ दी है। ऑटो इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया बीते महीने एक भी कार नहीं बेच सकी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि अप्रैल महीने में मारुति की एक भी कार न बिकी हो। कंपनी ने शुक्रवार को कार बिक्री के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक अप्रैल में उनकी कारों को खरीदार नहीं मिले क्योंकि पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।